प्रश्न कुंडली के भाग दो में आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पे फिर से स्वागत है। मैं सिद्धांत सरल वैदिक केपी एस्ट्रोलॉजर आप लोगों के सामने प्रश्न ज्योतिष के सीक्रेट या प्रश्न ज्योतिष से हम सवालों के जवाब कैसे दे सकते हैं उस पर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ या बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैं जानता हूँ। तो आज पार्ट टू में चलिए ग्रहों के बारे में थोड़ा और समझें क्योंकि फलाफल में इसका बहुत रोल है। ज्योतिष में ग्रहों की अवस्थाओं के बारे में जानना भी बहुत जरूरी होता है। हालांकि ग्रहों की और भी अवस्थाएं हैं उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों की सुविधा के लिए। अच्छा, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि प्रश्न ज्योतिष से संबंधी या ज्योतिष ट्यूटोरियल से संबंधी जितने भी वीडियो अब मेरे आ रहे हैं सभी कॉमन क्रिएटिव में है। ये वीडियो भी कॉमन क्रिएटिव में है। आप अपने चैनल पे इसे अपलोड कर सकते हैं डाउनलोड करके। आप वो यूट्यूब ट्यूटोरियल से सीख लीजिएगा कि कैसे डाउनलोड करके कैसे अपलोड किया जाता है, वो मैं यहाँ नहीं सिखाने वाला। जरूरत पड़ी तो उसके लिए फिर अलग से वीडियो डालूंगा, लेकिन टेक्निकल बताना मेरा काम एक्चुअली नहीं है। चलो, तो कॉमन क्रिएटिव है ये भी, कोई कॉपीराइट इश्यू नहीं है, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो बता रहा हूं आप इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों के भले के लिए। फीस लीजिए, कंसल्टेंसी कीजिए, फीस लीजिए, उससे कोई समस्या नहीं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ज्योतिष की अवस्थाओं के बारे में अलग से बताऊंगा, मैं कह चुका हूं आपको। अभी जो यहाँ जरूरी है बताना वो बता रहा हूं मैं। प्रश्न ज्योतिष में जरूरत है जिस चीज की, भावेश कारक या जिस भाव से संबंधित प्रश्न पूछा गया है उन बातों को समझते हुए आपने ग्रह की अवस्थाओं को समझना है। पहला रूल ये याद रखिए कि कोई ग्रह अपनी मित्र राशि में होता है तो वो मुदित ग्रह कहलाता है। मुदित का मतलब होता है आनंदित। कोई भी व्यक्ति जब अपने मित्र के घर जाता है तो वो आनंदित रहता है, आनंद मुद्रा में होता है। यहाँ ये भी समझते चले कि ऐसे ग्रह की दशा अंतर दशा में जातक का मन प्रफुल्लित रहता है, जातक आंतरिक खुशी महसूस करता है, जातक आंतरिक खुशी महसूस करता है। दूसरा रूल या ग्रह के बारे में ये समझे कि ग्रह अगर उच्च राशि में हो तो दीप्त ग्रह कहलाता है। जैसे कुल दीपक कहा जाता है हमारे भारतीय शास्त्रों के अनुसार पुत्र को, तो ये ग्रह जो होता है कार्य सिद्धि करवाने वाला ग्रह होता है। यानी पंचमेश से संबंधी अगर प्रश्न है तो पंचमेश अगर उच्च का है तो निश्चित तौर पर प्रेम संतान इत्यादि के बारे में कार्य सिद्धि करने वाला उत्तर वहां आप जातक को दे सकते हैं। ग्रह की तीसरी अवस्था को समझिए, नीच राशि में ग्रह अगर हो तो दीन ग्रह कहलाता है, यानी दुखी होता है। ऐसे ग्रह की दशा महादशा में जातक अक्सर याचक के तौर पे ही वो समय गुजार देता है, यानी उसका मांग के जीवन यापन चल जाता है। ऐसी दशा अंतर दशा में पड़ जाए तो ये दीन ग्रह जो होता है दुख का कारक समझा जाता है। तो आप समझ सकते हैं किसी भी भाव से संबंधी प्रश्न जब होगा वो ग्रह अगर नीच राशि में चला जाएगा तो उस भाव से संबंधित शुभ फल आपको मिलने में संदेह उत्पन्न हो जाता है। हालांकि इसके बहुत से पैरामीटर हैं, लेकिन ये शुरुआती बेसिक है जिसको अपने दिमाग में आपने रख लेना है। क्योंकि इस अवस्था में होने के बावजूद एकादश से संबंध बन रहा है तो सफल भी होगा जातक, लेकिन सफलता फिर वो उस लेवल की नहीं होती है जैसी की होनी चाहिए। चौथा, ग्रह अपनी खुद की राशि में हो तो स्वस्थ ग्रह माना जाता है। इसका फल मान सम्मान पद व धन प्राप्ति होता है। ऐसे ग्रह की दशा महादशा में भी वैदिक ज्योतिष के अनुसार जातक पद प्राप्ति करता है, मान सम्मान प्राप्त करता है, अपने ही घर में स्वग्रही होना और स्वस्थ ग्रह कहलाता है। ये तो जातक के अंदर ताकत आत्मविश्वास ज्यादा होता है। यानी आप देखिए, एक गरीब भी अपने घर में जब होता है तो वो वहां का मालिक होता है और घर पे उसी का हुक्म चलता है। भले ही वो कहीं नौकरी करने जाता है किसी महल में, तो वहां वो नौकरों के
जैसा व्यवहार करता है यानी नौकरी करता है तो उसको तो वहां झुकना ही पड़ेगा, लेकिन स्वगृही जब होगा, जब अपने घर पे आएगा तो वहां वो राजा जैसा व्यवहार करता है। तो स्वगृही ग्रह अच्छा होता है प्रश्न कुंडली के दौरान, यानी जिस भाव से संबंधी प्रश्न है उस भाव से संबंधी ग्रह अगर स्वग्रही है तो अच्छा फल पाने की आशा कर सकते हैं। नंबर 5, ग्रह युद्ध में हारा हुआ ग्रह धन व पद हानि का प्रतीक होता है। तो ये ग्रह युद्ध पे भी मुझे सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, उसको यहां मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन प्लेनेटरी वार आपने सुना होगा, ग्रह युद्ध भी होता है, 5 ग्रहों में होता है आपस में। चलिए यहां मैं शुरू कर दूंगा तो फिर दूसरी तरफ चला जाएगा वीडियो। तो ग्रह युद्ध में जो ग्रह हारा हुआ होता है वो पद हानि का प्रतीक होता है, यानी ऐसे ग्रह की दशा अंतर दशा में जातक का पद हानि हो सकती है, नौकरी छूट सकती है। अस्त ग्रह यानी कंबस्ट ग्रह भी कार्य का नाश करने वाला होता है, अस्त ग्रह में भी ताकत नहीं होती, यानी कोई 10 किलोमीटर पैदल चल सकता है एक स्वस्थ ग्रह, तो अस्त ग्रह जो 2 किलोमीटर में ही हांफने लगेगा, बैठ जाएगा। इसको इस तरीके से समझिए, मैं सीधे तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। नंबर 7, अपनी नीच राशि की तरफ बढ़ने वाला ग्रह अवरोही ग्रह कहलाता है, ऐसा ग्रह भी पतन व धन नाश का कारक होता है। इसको आप कैसे समझेंगे, सीधे तरीके से ये समझिए कि जैसे कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, जैसे मान लीजिए सूर्य मेष राशि में उच्च का है, तो मेष राशि से जब वो वृष राशि में आ चुका होता है तो ऐसा ग्रह जो नीच राशि की तरफ बढ़ने वाला ग्रह कहलाता है, यानी मेष के बाद उच्च होने के बाद मेष के बाद सूर्य तुला की तरफ बढ़ता है तो उसको नीचगामी ग्रह कहते हैं, ऐसा ग्रह भी पतन व धन नाश का कारक होता है। आपकी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी फलादेश के वक्त दशा अंतर दशा में ऐसे ग्रह का फलादेश आप इस तरह समझ सकते हैं कि जातक का पद घटेगा ऐसे ग्रह की दशा अंतर दशा आ जाएगी तो। यानी इसको आप उल्टा समझिए कि तुला से वृश्चिक में अगर सूर्य जा चुका है तो वो ग्रह उच्चगामी कहलाएगा। शत्रु के घर में बैठा ग्रह सुप्त व डरा हुआ कहलाता है, शत्रु भय होता है ऐसे जातक को। कोई ग्रह मान लीजिए शत्रु के घर में बैठा हुआ है तो ऐसे ग्रह की दशा अंतर दशा में भी जातक परेशान और डरा हुआ रहता है, किसी के यहाँ नौकरी करता है, किसी के अंडर में काम करता है, मजबूरी में वो वहां काम करता है, दुश्मनों से भी उसे डर होता है। तो ये बातें भी याद रखनी है कि प्रश्न कुंडली का जब जवाब देना है तो ग्रहों की इस अवस्थाओं को भी ध्यान में आपने लेना है। नंबर 9, उच्चाभिलाषी ग्रह यानी अपनी उच्च राशि की तरफ बढ़ने वाला ग्रह सुवीर कहलाता है और ऐसा ग्रह पद व धन और पदोन्नति का कारक होता है। वही बात जो मैं अभी बता के गया आपको, सूर्य वृश्चिक राशि का ज्यादा मजबूत होता है वृष राशि के बदले, भले ही उच्च से निकल के अभी आया है तो उसको आप मजबूत समझे, लेकिन वो नीचगामी हो गया है और वृश्चिक का सूर्य जो है उच्चगामी हो गया, ये सुवीर कहलाएगा। अब आप यूं समझ सकते हैं कि उच्च और नीचगामी ग्रह के इस फलादेश को भी समझते वक्त कन्या राशि का सूर्य वृष राशि से ज्यादा कमजोर होगा, क्योंकि कन्या के बाद तुला में जाना है उसने, सूर्य और ज्यादा कमजोर होगा, ये इसी हिसाब से समझिए। मिथुन का सूर्य वृष राशि वाले से ज्यादा कमजोर होगा स्टेप बाय स्टेप, इसी तरह वृश्चिक राशि का सूर्य से ज्यादा मजबूत धनु राशि वाला मजबूत होगा और आखिर में मीन राशि वाला सूर्य चूंकि अब अपनी उच्च राशि में जाने ही वाला है तो वो सबसे ज्यादा मजबूत होता है। ये उच्चगामी नीचगामी वाली बात को यहाँ थोड़ा सा और विस्तार देते हुए मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि सूर्य चंद्र तो खैर वक्री होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ये ग्रह वक्री नहीं होते हैं, बाकी के जो 5 ग्रह वक्री होते हैं समय समय पे, तो उच्च का ग्रह अगर वक्री होता है तो वो भी नीचगामी हो जाता है, यानी उच्च की डिग्री पे जब वो है, जैसे मान लीजिए शनि 20 डिग्री तक उच्च का होता है तो शनि अगर 10 डिग्री पे है अभी और वो वक्री हो गया है तो ऐसा शनि जो है नीचगामी फल देने लगता है, उच्चगामी फल नहीं देता है। हाँ, तुला राशि में ही शनि अगर 25 डिग्री का है, 26 डिग्री का है तो वहां अगर वक्री हो गया है तो यानी वो उच्च का फल देगा, क्योंकि वो वापस अपनी उच्च की डिग्री की तरफ बढ़ रहा है,
इसको जरा सूक्ष्म तरीके से आपने समझ लेना है। अब वृश्चिक राशि का शनि नीचगामी शनि कहलाएगा, लेकिन वृश्चिक राशि में अगर शनि वक्री हो जाएगा तो वो उच्चगामी कहलाएगा। इसको आपने डेबिलेटेड पे भी वही चीज आपने इस्तेमाल करनी है। मेष राशि में शनि 20 डिग्री तक नीच का होता है, तो 20 डिग्री पार कर चुका शनि क्योंकि अब उच्चगामी हो गया है, या वृष राशि में आ चुका शनि उच्चगामी हो चुका है, लेकिन वहां वृष राशि में अगर शनि वक्री हो जाता है तो वो नीचगामी कहलाएगा, उच्चगामी नहीं कहलाएगा। ये सूक्ष्म पॉइंट, ये सूक्ष्म बिंदु आपने याद रखना है फलादेश के वक्त, और खास करके जन्म कुंडली के फलादेश के वक्त ये सूक्ष्म बातें बहुत मायने रखती हैं, बहुत जरूरी है इसको समझना। आप अचानक किसी को बताएंगे कि जैसे कि उच्च का ग्रह वक्री हो गया, उच्च की डिग्री में मान लीजिए शनि तुला राशि में 10 डिग्री पे वक्री हो गया और उसकी दशा अंतरदशा जस्ट शुरू हुई है, और आप किसी को कह देंगे कि आपका पद छूटने वाला है और वो छूट जाएगा, तो वो हक्का बक्का हो जाएगा जातक आपके सामने कि ये कैसे हो गया, क्योंकि वो उस दशा में वो नीचगामी हो गया शनि, तो वो पद से नीचे गिरा देगा, डिमोशन हो जाएगा जातक का। वो डिमोशन कई तरह से हो सकता है, जरूरी नहीं कि नौकरी ही चली जाए, नौकरी से नीचे चला आए, घर परिवार में भी व्यक्ति का डिमोशन हो सकता है, घर में जहां मान सम्मान मिल रहा था वहां अचानक अपमान मिलने लगे, इस तरह की बातें भी हो जाती है। अभी ये जितना भी एग्जाम्पल मैंने ग्रहों के बारे में दिया है, इसका आपको प्रश्न कुंडली में इस्तेमाल करने को मिलेगा। कैसे मिलेगा, एक उदाहरण मैं विवाह संबंधी बात को लेके ही देता हूं आपके सामने। इसे यूं समझिए कि कोई व्यक्ति अगर पूछता है कि मेरा विवाह होगा या नहीं इस वक्त, सबसे पहली एक बिंदु मैं बता दूं, सबसे पहली बात ये याद रखिए कि प्रश्न कुंडली की वैलिडिटी 1 साल होती है। प्रश्न कुंडली की वैलिडिटी 1 साल इसलिए होती है क्योंकि चंद्रमा 1 साल में 360 दिन में अपना चंद्र वर्ष पूरा कर लेता है, यानी कुंडली का यानी चंद्र वर्ष जो है वो 360 दिन का होता है, और चंद्रमा का बहुत महत्व और चंद्रमा का बहुत महत्व होता है प्रश्न कुंडली के दौरान, इसलिए प्रश्न कुंडली 1 साल वैलिड होती है फलाफल देने के लिए। उसके बाद अगले साल आप प्रश्न कर सकते हैं किसी खास बिंदु को या उसी बिंदु को। इसका मैं और विस्तार से अगर मैं बताऊं आपको, अगर आप बोर ना हो तो मेरी बात सुने ध्यान से, कि अक्सर ये प्रश्न आता है कि मान लीजिए 2018 में मैंने पूछा कि मेरा विवाह होगा कि नहीं होगा प्रश्न कुंडली के थ्रू, तो जब एक ज्योतिष कह देता है कि आपका विवाह नहीं होगा अभी, तो क्या उस फलादेश को हम आजीवन के तौर पे मान ले, क्या ये संभव है? नहीं, ये संभव नहीं है। वो प्रश्न कुंडली का जो उत्तर ज्योतिष ने दिया है वो 1 साल तक वैलिड होता है, उससे ज्यादा नहीं होता, आप फिर अगले साल पूछ सकते हैं। तो यहां मान लीजिए जातक पूछता है विवाह से संबंधी अगर प्रश्न पूछता है, तो प्रश्न कुंडली आप जब खोलते हैं तो आपने देखना है कि जवाब देते वक्त अगर लगने से यानी प्रथम भाव के लगने से सप्तम भाव के सप्तमेश से यानी लग्नेश का सप्तमेश का अगर कोई योगा योग नहीं बन रहा है किसी भी भाव में, मान लीजिए ये यहां बैठा हुआ है और सप्तमेश आपका इधर बैठा हुआ है और दोनों का आपस में कोई दृष्टि योग नहीं है, तो विवाह की संभावना है उस वक्त प्रश्न कुंडली के समय में कम हो जाती है। लग्नेश अगर नीच का हो, मान लीजिए ये मेष लग्न ही है और मंगल मार्स यहां बैठ गए कर्क राशि में, तो लग्नेश का नीच हो जाना विवाह संबंधी संभावना को थोड़ा कमजोर करता है। सप्तमेश मान लीजिए शुक्र है, क्योंकि सप्तमेश शुक्र है यहां तुला राशि पड़ेगी, तो शुक्र अगर कन्या राशि में बैठ जाता है यहां पर तो ये डेबिलेटेड हो गया, तो भी विवाह की संभावनाएं कम हो जाती हैं प्रश्न कुंडली के दौरान। यही शुक्र अगर यहां बैठ गया अष्टम भाव में, यहां अष्टम भाव में बैठ गया, यहां अष्टम भाव में बैठ गया या द्वादश में बैठ गया, तो भी विवाह की संभावनाएं उस वक्त
कम हो जाती है। यानी प्रश्न कुंडली का शुरुआती दौर में आपको बता रहा हूं। शुक्र कंबस्ट है तो भी स्थिति फेवरेबल नहीं कही जा सकती विवाह के लिए, खास करके अगर कोई पुरुष अपनी शादी के बारे में या अपने विवाह के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि पुरुष की कुंडली में शुक्र स्त्री का कारक होता है, तो विवाह से संबंधी प्रश्न के वक्त शुक्र डेबिलेटेड नहीं होना चाहिए, नीच नहीं होना चाहिए, यह ख्याल रखना है। हाँ, एक बिंदु यहां याद रखिएगा कि प्लेनेटरी वार का इफेक्ट शुक्र पे नहीं पड़ेगा। ये बात आप खास करके याद रखिए कि प्लेनेटरी वार में यानी ग्रहों के युद्ध में, ग्रह युद्ध में शुक्र कभी हारता नहीं है, इसलिए शुक्र पराजित नहीं होगा। जो रूल मैंने बताया है प्लेनेटरी वार का, उसमें शुक्र पराजित नहीं होगा, ये याद रखना है आपने। तो शुक्र पराजित नहीं होता है, लेकिन डेबिलेटेड है तो निश्चित तौर पे वो खराब पोजीशन में है, और अस्त है तो खराब पोजीशन में है। प्रश्न के वक्त अगर ये वक्री है तो भी अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। मान लीजिए रिट्रोग्रेड है तो भी फेवरेबल नहीं है, ये ध्यान रखना है आपने। एक रोल और है, मान लीजिए लग्न कोई और है, मेष लग्न नहीं है, यहां कोई और लग्न है, मान लीजिए यहां मिथुन लग्न है, तो लग्नेश सप्तमेश का तो विचार होगा ही। अगर कोई पुरुष आके प्रश्न पूछ रहा है तो लग्नेश और सप्तमेश का तो विचार होगा ही कि आपस में संबंध है या नहीं, या सप्तमेश की स्थिति क्या है, लग्नेश की स्थिति क्या है। शुक्र का विचार भी उसके साथ होगा। अगर शुक्र का किसी भी प्रकार से बुध से या बृहस्पति से किसी भी प्रकार का योग अगर नहीं बन रहा है तो भी विवाह की संभावनाएं पुरुष के क्षेत्र में कम होगी। शुक्र यहां भी वक्री और अस्त नहीं होना चाहिए। अब इस बात को समझ लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली में शुक्र तो खुद ही सप्तमेश है, लेकिन बाकी की कुंडलियों में भी अगर कोई पुरुष अपने विवाह से संबंधी प्रश्न को ज्योतिष के सामने रख रहा है तो भी शुक्र महत्वपूर्ण होता है उसकी कुंडली के लिए, क्योंकि शुक्र स्त्री है। एक उदाहरण यहां मैं और देना चाहूंगा कि सभी कुंडलियों पे लागू होगा लगभग। मिथुन लग्न की कुंडली अगर खुल रही है प्रश्न कुंडली के दौरान, तो जो ग्रहों का इत्थशाल होता है उसको भी यहाँ आपने ध्यान देना है कि बुध अगर सप्तमेश के साथ इत्थशाल योग बनाता है, बुध तेजी से घूमता है और बृहस्पति एक घर में 12 से 13 महीने तक रहता है, तो बुध निश्चित तौर पे बृहस्पति के साथ इत्थशाल योग बनाएगा ही। इसको यूं समझिए कि बृहस्पति मान लीजिए यहाँ बैठा हुआ है इस भाव में, और बुध अगर यहाँ है तो बुध जो है बृहस्पति के साथ इत्थशाल योग बनाएगा, क्योंकि बुध ने विचरण करते हुए बृहस्पति तक आना है। तो बृहस्पति के साथ बुध का जब भी आपस में डिग्री वाइज सेम पोजीशन में आ जाएगा, उस वक्त को आप विवाह की तारीख के तौर पे घोषणा कर सकते हैं। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैंने आप लोगों को यहाँ बताया। इत्थशाल योग को आप फलादेश में इस्तेमाल कीजिए, आपके फलादेश में परिपक्वता आ जाएगी, खास करके प्रश्न कुंडली के दौरान। इत्थशाल योग का इस्तेमाल प्रश्न कुंडली में ही होता है, लग्न कुंडली में नहीं होता, ये भी ध्यान रखिएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि लग्न कुंडली में इत्थशाल योग नहीं होता है। तो लग्न कुंडली में ग्रह जहां जिस भाव में बैठे हुए वो तो वहीं बैठे रहेंगे, उन्होंने एक दूसरे से इत्थशाल योग थोड़ी बनाना है आपस में, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा आप लोग। प्रश्न कुंडली के दौरान मिथुन लग्न को ही अगर मैं उदाहरण बनाऊं तो बृहस्पति किसी भी भाव से अगर उच्चगामी है प्रश्न कुंडली के दौरान, मान लीजिए बृहस्पति यहीं बैठा हुआ है या यहां एकादश में बैठा हुआ है, तो निश्चित तौर पर ये मिथुन लग्न की कुंडली में कर्क राशि यहाँ द्वितीय भाव में पड़ेगी, तो निश्चित तौर पे बृहस्पति का उच्चगामी होना विवाह संबंधी मामले में ज्यादा पॉसिबिलिटी बना देता है, ये बात याद रखिए आप। ठीक है।
ठीक है, सप्तमेश का उच्चगामी होना, और जितना वो उच्च राशि के करीब होगा उतना फलादेश में सटीकता आप समझ सकते हैं। ठीक है, आई होप ये बात और क्लियर हुई आपको। तो इत्थसाल योग जो मैंने बताया आपको, ये आपने ध्यान रखना है कि इत्थसाल योग बड़े आराम से मेष लग्न में होगा, मेष लग्न में होगा, क्योंकि शुक्र और मंगल कहीं ना कहीं संपर्क एक साल में बना लेते हैं। वृष राशि में भी होगा, वहां भी शुक्र मंगल है। मिथुन राशि में होगा, कर्क राशि में होगा, ठीक है ना, लगभग सभी राशियों में होगा आप अगर ध्यान दें तो मेष से मीन तक लग्नेश और सप्तमेश के इत्थसाल योग को आपने ध्यान में रखना है। विवाह संबंधी पिन पॉइंट फलादेश में ये आपको मदद करेगा। आई होप ये अच्छा लगा होगा आपको ये सेकंड एपिसोड। प्रश्न कुंडली के तीसरे भाग में हम फिर मिलेंगे। अभी ये सफर जारी रहेगा जब तक ये जारी रह सकता है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, और मैं समझता हूं धीरे धीरे आप लोग भी बहुत आराम से मजा लेकर सीख पाएंगे, और मैं बहुत कुछ बताऊंगा, निश्चिंत रहे आप, चिंतित ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।